नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। अपने कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ नीचे जो सर्च दिया हुआ है, टाइप हेयर सर्च, क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर टाइप करेंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर टाइप करेंगे आप पावर PowerPNT। साथियों ध्यान रखना, यहाँ पावर PNT लिखना है, पॉइंट नहीं लिखना। पॉइंट लिखोगे तो उससे नहीं खुलेगा ये। और ये लिखकर जैसे ही आप एंटर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो अलग अलग वर्जन आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका सेम सा ही है, थोड़ी बहुत थीम बदल जाती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर खोला है, तो मेरे सामने यहाँ पर ही इस तरीके की थीम खुलकर आई है कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके की बनानी है। तो थीम मैं बाद में भी लेना बताऊंगा, वैसे यहाँ से भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप यहाँ से ब्लैंक थीम लेंगे, ये नंबर वन पे आ रही है ना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने साथियों खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंटेशन क्या है और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन का मतलब है अपनी किसी भी चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, प्रेजेंट में वो भी एक वीडियो के फॉर्म में, जिसमें उसकी एनिमेशन, साउंड इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें आ जाएं। जैसे हम टीवी में किसी भी चीज़ का ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो वो एक तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होती है, जिसे देख के हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाता है। कोई मूवी नई आने वाली होती है तो उसके स्टार्टिंग में ट्रेलर आते हैं, टीजर्स आते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन होते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ को बनाने के लिए या ऐड बनाने के लिए प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। कंपनियों में अपना कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने, पब्लिक के सामने वो प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन बनाकर लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। स्कूल कॉलेजों में टीचर्स, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो अपने टॉपिक को समझाने के लिए उसकी वीडियो रूप में, फॉर्म में आपकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसमें आपके उस टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, साउंड इफेक्ट वगैरह होते हैं, तो वो हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो साथियों, जैसे कि सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन खोली है, तो इसमें इस तरीके का ये जो इंटरफेस आ रहा है, इसके इस पेज को स्लाइड कहा जाता है। MS वर्ड के पेज को स्लाइड कहते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। MS वर्ड का जो पेज है उसे डॉक्यूमेंट, एक्सेल के पेज को वर्कशीट है, स्प्रेडशीट, और पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहते हैं। तो ये जो स्लाइड हमारे सामने खुल के आई है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा और नई स्लाइड अपने हिसाब से लेकर हम काम करना सीखेंगे। तो आप स्टार्टिंग में ऊपर जाना, ये होम का ऑप्शन है, होम में यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू स्लाइड, यहाँ से नई स्लाइड लेते हैं और ये इधर की तरफ हमारी स्लाइडों का थंबनेल आता है, यानी शॉर्ट में यहाँ दिखाई देती हैं और बड़े साइज में आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगी जो भी हम स्लाइड बनाएंगे। तो ये पहली स्लाइड, इसे डिलीट करने के लिए माउस से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइड का ये ऑप्शन आएगा, डिलीट स्लाइड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्लाइड हमारी डिलीट हो गई होगी, देखिए, ठीक है। अब जैसे हमें स्लाइड लेनी है, तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक चॉइस करना होता है कि किस चीज़ पर हम प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। किसी मूवी की बना लो, टॉपिक की बना लो, तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ कि मान लो मुझे कंप्यूटर के ऊपर ही प्रेजेंटेशन बनानी है, लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताना, समझाना है कि कंप्यूटर क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले साथियों, न्यू स्लाइड हम यहाँ से लेंगे, ऊपर से होम में न्यू स्लाइड का आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये न्यू स्लाइड, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे स्लाइडों के स्टाइल आ जाएंगे काफ़ी सारे, ये तो इनमें से आप कोई भी स्लाइड लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि हम ब्लैंक स्लाइड लें, बाकी लेने को कोई भी ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ब्लैंक स्लाइड मैं क्यों ले रहा हूँ, अभी देखिए, ब्लैंक स्लाइड लेते ही यहाँ पर ये हमारे सामने ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है वो इमेज दिखाने के लिए होता है। तो जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे किसी कॉलेज में सबमिट करनी है तो कॉलेज का लोगो वगैरह दिखा देंगे, या फिर मान लो शादी वगैरह की टाइप की बना रहे हैं तो गणेश जी की फ़ोटो या अपना जो भी धार्मिक कोई लोग है वो लगा देंगे, सॉरी, और या फिर अपने जो कंपनी है तो कंपनी का लोगो लगा देंगे। तो मैं मान के चलिए यहाँ पर एक गॉड का लोगो लगा देता हूँ, पिक्चर। तो पिक्चर कैसे लेते हैं, ऊपर यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, ये जो इंसर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, यहाँ पर आएगा पिक्चर्स, पिक्चर्स पर क्लिक करना। अब पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर सेव हैं
उसमें आप चले जाना। देखिए लेफ्ट साइड में लोकल डिस्क आ रही है जिनमें हमारा डेटा सेव होता है, लोकल डिस्क सी डी ई वगैरह। एक सेकंड, इसकी ज़्यादा जूम हो गई है। तो यहाँ से इंसर्ट में पिक्चर पे गए थे हम, और यहाँ पे लोकल डिस्क वगैरह जो आ रही है हमारी, तो इनमें से हम अपने डिस्क को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें भी हमारे वॉलपेपर हैं। तो जैसे लोकल डिस्क ई में गए तो यहाँ पर देखिए वॉलपेपर आ रहे हैं, ऐसे एफ में गए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैंने एफ में अब कंप्यूटर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें कुछ कंप्यूटर की इमेजेस हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की नहीं लेनी मुझे, गॉड की लेनी है, तो वो मैंने लोकल डिस्क ई में डाली हुई है। तो यहाँ से आप वॉलपेपर पर जाएंगे, ये हमने वॉलपेपर खोला। आपके कंप्यूटर में और कोई वॉलपेपर होंगे, ज़रूरी नहीं है यही हो, ये तो मैंने एक सिखाने के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम गॉड में गए और ये हमारे सामने जैसे गॉड के वॉलपेपर आ गए हैं, तो इनमें से हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ये गणेश जी का ही एक वॉलपेपर ले लेता हूँ, और ये लेकर इंसर्ट के ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। ठीक है साथियों, अब मैं देखिए जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से गणेश जी की पिक्चर हमारी स्लाइड पर बनकर आ गई। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई। इसे यहाँ से पकड़ के इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना, क्योंकि अगर ये ऐसे साइड में वाइट रहेगी तो जब शो चलेगा तो उसमें वाइट एरिया दिखाई देगा, तो फुल स्क्रीन पर इमेज नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ऐसे फुल स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी पहली स्लाइड बन गई है। आगे नई और स्लाइडें लेने के लिए वापस होम के ऑप्शन पर जाएंगे, और इसमें फिर से न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब हम यहाँ से लेंगे टाइटल ओनली स्लाइड। टाइटल का यूज होता है अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल देने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना, एक टॉपिक चॉइस करना है, तो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक लिया था कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया, क्लिक ऐड टू टाइटल। यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल डालेंगे, ये मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ऐसे ही आपका कोई और टॉपिक है तो वो डाल सकते हैं, कोई मूवी है तो मूवी का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, बड़ा करने के लिए शॉर्ट कीज भी है, नहीं तो होम में जाके आप यहाँ से साइज दिखा रखे हैं, इनमें अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लेना जो भी करना है। यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। पेज के सेंटर में लेना हो इसको, सेंटर या अलाइनमेंट वगैरह आप जानते ही होंगे जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं। इसे बोल्ड कर देंगे, या ये कंप्यूटर को स्टाइलिश फॉन्ट में लेना है तो ऊपर फॉर्मेट के नाम से मेन्यू है ये ऊपर। यहाँ से देखिए फॉर्मेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट के स्टाइल आएंगे, इन्हें खोलेंगे तो इनमें से कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट ले सकते हैं इसके अंदर। तो मान के चलिए मैंने ये वाला टेक्स्ट ले लिया। बाकी यहाँ टैक्स फिल से इसका ऊपर से कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग अलग कोई ले सकते हैं। तो ये हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, और साइज बढ़ाना है वापस होम में जाके यहाँ से साइज बढ़ा देंगे, और इसको उठाकर पेज के बीच में रख लेना टाइटल को। यहाँ से आउटलाइन जो आ रही है इसे पकड़ के नीचे यहाँ पर ले जाके रख देना, सेंटर में अच्छा लगता है टाइटल। साथियों अभी हम देख रहे हैं कि पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी सी थीम डाल दूँ, कलर स्टाइल। तो उसके लिए ऊपर डिजाइन के ऑप्शन पर जाएंगे, ध्यान रखना है ऊपर डिजाइन का जो ऑप्शन है इस पर जाएंगे। तो इतने सारे थीम आपके सामने खुलकर आ गए हैं। अब इनमें से आप जो भी थीम लेंगे, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। जैसे ये थीम लेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज बनेगा, ये थीम लेंगे ऐसा आएगा, ये तो इसमें कलर स्टाइल फॉन्ट ये बदल जाते हैं। और साथ ही शुरू में ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके थीम लेने से ये फिर सभी स्लाइडों में अपने आप आएगी, बार बार नहीं लेनी होगी। तो मैंने जैसे ये ग्रीन वाली थीम ले ली तो ये आगे देखिए कितना सुंदर पेज लगने लगा। ठीक है ना, तो ये हमारे टाइटल बन गया है कंप्यूटर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम बनाएंगे। अभी देखिए दो स्लाइड बनाई थी, फर्स्ट ये गणेश जी की और सेकेंड नंबर पर टाइटल है। जब हमारा शो चलेगा ना, जब हम इस प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे तो इस सिक्वेंस में ही चलेगा जैसा हम बना रहे हैं, तो इसलिए सिक्वेंस भी ज़रूरी है। अब थर्ड स्लाइड हम बनाएंगे। देखिए थर्ड स्लाइड में क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक से रिलेटेड इमेज डालते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर लिखा तो अब कंप्यूटर ये भी दिखाना चाहिए कि हमें कंप्यूटर कैसा होता है देखने में, जो प्रेजेंटेशन देखेंगे, या कोई और टॉपिक है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट है, या कंज्यूमर की आपकी कोई कंजम्पशन है उससे रिलेटेड इमेजेस वगैरह डाल दी जाती हैं। जैसा भी टॉपिक हो, मूवी है तो मूवी से रिलेटेड फ़ोटोज़ डाल देते हैं। तो उसके लिए वापस होम पर जाएंगे, फर्स्ट मेन्यू पर यहाँ से फिर से न्यू स्लाइड पे जाएंगे। और पिक्चर के लिए मैंने कौन सी स्लाइड बताई थी, ये ब्लैंक स्लाइड। पिक्चर के लिए ब्लैंक वाली स्लाइड लेनी है, तो जैसे ही हम इस पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे एक नई स्लाइड आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपने कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड इमेज डाल देंगे।
तो इमेज जैसे गणेश जी की ली थी, कहाँ से ली थी, ऊपर इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर ये क्लिक किया, फिर यहाँ से पिक्चर के ऑप्शन पर जाएंगे। पिक्चर पर जाने के बाद फिर आप अपनी लोकल डिस्क में जहाँ भी वॉलपेपर हैं, मैंने लोकल डिस्क एफ़ में डाले हुए हैं, एफ़ में चले जाएंगे। देखिए एफ़ में मैंने कंप्यूटर का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये मैंने नेट से पहले ही वॉलपेपर डाउनलोड कर रखे थे, तो इनमें यहाँ से आप कंप्यूटर का कोई भी एक अच्छा सा फ़ोटो डाल देना, जैसे मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ये आ गया। इसे अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर लेना, ये कर लिया, ये उठाकर मैंने यहाँ ऊपर रख दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ एक लैपटॉप की इमेज भी डाल दूँ, तो फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, और यहाँ से एक लैपटॉप की इमेज ये मैं ले लेता हूँ, ये ले लें, और इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर दें, ठीक है। कंप्यूटर का ही दूसरा रूप ये लैपटॉप है, तो दोनों दिखा दिए मैंने, ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जहाँ मर्जी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे, ये कर लिया। अच्छा साथियों, ये तो होगी कंप्यूटर की इमेज। अब हमें जिस टॉपिक को बना रहे हैं उसकी डेफिनेशन देनी होती है, उसके लिए फिर से न्यू स्लाइड में जाएंगे, और न्यू स्लाइड में जाके ये दो टाइटल की जो स्लाइड है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेक्शन हेडर वाली भी ले सकते हो आप, या ये भी ले सकते हो, दोनों ही ठीक हैं। इसमें बीच में आते हैं आपके लिखने के लिए, और इसमें आता है थोड़ा नीचे की तरफ, तो जैसे मैंने ये ले लिया बीच में। अब इसमें कहता है क्लिक ऐड टू टाइटल, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना टाइटल डालेंगे और नीचे उसका सब टाइटल डाल सकते हैं। या जैसे मैं दिखा बताना चाहता हूँ कंप्यूटर के बारे में, एक तो व्हाट इज कंप्यूटर ये लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर, नीचे मुझे इसकी डेफिनेशन देनी थी तो इसका आंसर डाल देंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये मैंने पहले ही लिखा हुआ था, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने, बाकी आप टाइप कर लेना, और साइज ऊपर से यहाँ से इसको बड़ा कर देना इस तरीके से। अभी हम देख रहे हैं कि राइट साइड से आ रहा है, लेफ़्ट से कर लीजिए, अलाइनमेंट के ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऊपर यहाँ से लेफ़्ट करके तब आप करना, तो देखो लेफ़्ट से आ जाएगा। बाकी साइज़ ये 25 है, आप इसे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, मैंने लिख दिया जैसे 32, तो ये साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बॉक्स का साइज़ बढ़ाएंगे उससे भी फ़र्क पड़ता है, बॉक्स बढ़ा दिया तो ये साइज़ बढ़ जाएगा। ऐसे ये हेडिंग अपना राइट लेफ़्ट लेना हो तो ये सेटिंग हमें खुद करनी है, ठीक है, वो थीम के अकॉर्डिंग आ जाती है। बाकी यहाँ से इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया, ये पैराग्राफ जस्टिफाई करना है, ये कर दिया। तो ये साथियों हमने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी कंप्यूटर की। इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर किसने बनाया था, इसका आविष्कारक कौन है, तो उसके लिए फिर से यहाँ से न्यू स्लाइड पर जाएंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड में फिर ये टाइटल स्लाइड लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वू वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर कंप्यूटर के फादर कौन थे, मिस्टर चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हमने इसका आंसर दे दिया। इस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाना है, तो ये मैंने लिख दिया, इसे राइट लेफ़्ट सेंटर अपने हिसाब से कर लेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर को भी यहाँ से मैंने साइज थोड़ा बड़ा कर दिया ऊपर से यहाँ से इसका, और इसको उठाकर ऊपर रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज देखने में कैसे थे, इनका भी एक इमेज दिखा दें, तो फिर से आप न्यू स्लाइड पर जाएंगे, और इमेज लेने के लिए मैंने बताई थी ब्लैंक स्लाइड, इसे लेंगे, और यहाँ पर पिक्चर लेने के लिए वापस इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे, और यहाँ से हम कंप्यूटर के जो फादर हैं उनकी इमेज देखते हैं। वैसे मैंने डाउनलोड की थी, मैं देखता हूँ, ये रही देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो ये हमने इनकी चार्ल्स बेबेज जी की इमेज यहाँ पर लगा दी, ये एडजस्ट कर देंगे। या अब हमें दिखाना है कि देखिए कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, तो न्यू स्लाइड पे फिर से जाना, और जैसे किसी चीज़ को पॉइंट वाइज दिखाना हो तो उसके लिए ये वाली स्लाइड ली जाएगी, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, टाइटल एंड कंटेंट, ये जो ब्लैंक थी ये इमेज के लिए होती है, ये सिंगल टाइटल के लिए ये होती है, जो एक टाइटल जैसे हमने स्टार्टिंग में अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल डाला था, मूवी का नाम कंप्यूटर, और जब क्वेश्चन आंसर देने हो तो उसके लिए ये टाइटल और सेक्शन हेडर ये दो चलती हैं, और जब पॉइंट वाइज दिखाना हो तो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड को लेते हैं। तो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेंगे, और इसमें हम मान के चलिए दिखाना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हेडिंग डालेंगे ऊपर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नीचे यहाँ पे जाएंगे
एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो भी हैं डिटेल्स। देखिए पॉइंट अपने आप बन के आते जा रहे हैं, बस हम लिखते जा रहे हैं, एंटर करते ही अपने आप पॉइंट आ जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट वाइज दिखा देंगे, बाद में इनका साइज बढ़ा देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर से साइज बढ़ा दिया, टाइटल को अपने हिसाब से। अच्छा, ये जो इनके कलर्स वगैरह हैं ये भी बदल सकते हो। टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्रीन आ रहा है तो आप यहाँ से ऊपर ऑप्शन है ये प्लस का, ये जो लिखा हुआ है ये, इसे खोलेंगे यहाँ से पॉइंट पे से, और इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे मैंने ये मैरून कलर ले लिया, ये आ गया आपका। तो ग्रीन की जगह मैरून और अच्छा लगने लगा। डार्क करना हो बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन देनी हो अंडरलाइन दे दीजिए, तो ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी 7 स्लाइड हो गई हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कंप्यूटर के पार्ट, तो वो भी पॉइंट वाइज दिखाते हैं। न्यू स्लाइड पे गए, यहाँ से फिर ये टाइटल कंटेंट स्लाइड ली, तो यहाँ पर हेडिंग डाला पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको हमने साइज बड़ा किया। नीचे कंप्यूटर के पार्ट्स दिखाए, हार्डवेयर एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर एंटर। वैसे तो मेनली ये दो ही होते हैं, लेकिन पुरानी बुक में यूजर को भी पार्ट्स माना गया है। हार्डवेयर जो हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं वो चीज़ें हार्डवेयर हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर। सॉफ्टवेयर जिन पर हम वर्क करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चला रहे हैं हम, यहाँ एक्सेल है, टैली वगैरह है, फोटोशॉप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाखों सॉफ्टवेयर हैं। और यूजर हम खुद होते हैं जो कंप्यूटर को यूज करता है। तो ये मैंने यहाँ से दिखा दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये जो हम पॉइंट आ रहे हैं ना, ये ट्रायंगल से बुलेट्स, इन्हें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर ये ऑप्शन है, यहाँ से जाएंगे ये वाले ले सकते हैं, ऐसे बुलेट ले सकते हैं, स्टाइलिश बुलेट हैं, अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। तो ये दे दिया मैंने, जैसे कलर यहाँ से बदल देता हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ये गए, मान लीजिए ब्लू कलर कर दिया। तो ये अपने हिसाब से आप और ज़्यादा इसको डेकोरेट कर लेना, जब मैं नहीं कर रहा ज़्यादा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बीच बीच में मैंने बताया था जो भी हम टॉपिक डालें उनकी इमेज दिखाते रहना चाहिए, तो हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कुछ इमेज दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से फिर न्यू स्लाइड पर गए, यहाँ से जाने के बाद हमने मान के चलिए ये हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर इमेज के थ्रू दिखाना है, टू कंटेंट वाली स्लाइड ली। इसमें जाने के बाद यहाँ से आप लिखना एक तरफ हार्डवेयर ऑब्लिक सॉफ्टवेयर, तो आप अपना हार्डवेयर में दिखा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर, प्रिंटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इधर अगेंस्ट में दिखा दिया सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट और ऑटोकैड, टैली, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप, ये हमने दिखा दिया। साइज इंक्रीज कर दीजिए इनका थोड़ा सा, ये मैंने साइज बढ़ा दिया, ऐसे इनको सेलेक्ट करा कंट्रोल ए से। ये मैं शॉर्ट की जो यूज कर रहा हूँ, ये इनके मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, इससे पहले ही एक वीडियो है, आप देख लेना, 50 शॉर्ट कीज़ हैं उसमें, तो उसमें आप किसी भी चीज़ को और इफ़ेक्टिवली जल्दी कर सकते हैं। तो वैसे एक कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन का जो सिंबल है उससे मैं बढ़ा रहा हूँ साइज, और नहीं तो आप यहाँ से ऐसे करके अपने हिसाब से बड़ा छोटा करते रहना, ठीक है। ये कर इनकी इमेजेस दिखानी है हार्डवेयर की, न्यू स्लाइड पर गए, इसमें आप ऐसा करना जैसे इमेज भी दिखानी है टाइटल भी, तो ये स्लाइड लेकर और यहाँ पर लिखना हार्डवेयर और नीचे खाली जगह पर क्लिक करके इमेज डाल देना। इमेज पे गए, पिक्चर, और जैसे मैंने हार्डवेयर की इमेज, ये हार्डवेयर ले लिया, ठीक है, ये दो चार हार्डवेयर वगैरह कंप्यूटर के ले लिए मैंने, इंसर्ट कर दिया। ये इमेज ज़्यादा हैं तो इन्हें छोटा कर देना अपने हिसाब से। ये इमेज कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जॉयस्टिक वगैरह, ये डाल दूँ, इसको बड़ा कर देना। बॉक्स को लाइन से पकड़ के उठाते हैं, ऐसे उठाकर नीचे रखते हैं, ठीक है। साथियों, अच्छा लग रहा होगा प्रेजेंटेशन बनते हुए देखकर, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल करना, जब ही समझ में आएगी।
अच्छा साथियों, इसी तरीके से हम चीज़ों को डालते रहते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हो, अब तो इसी तरीके से मैटर डालते रहेंगे। बस लास्ट में जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश करनी हो तो न्यू स्लाइड में टाइटल स्लाइड ही ली जाती है, और इसमें ये ज़रूर लिख देना चाहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने वाले को थैंक्स कर देना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है ग्रीटिंग वर्ड। देखा होगा आपने वीडियोस वगैरह, आप कुछ भी देखते हैं तो थैंक्स ज़रूर कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया, ठीक है। इसके बाद साथियों, जैसे हमें ये प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे कहीं चलानी होगी तो प्रोजेक्टर वगैरह ऐड करके, या एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी है स्क्रीन वगैरह ऐड करके, हमें यहाँ पर F5 की शॉर्ट की दबानी होगी। कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली लाइन में F5 जो फंक्शन है उसे आप जैसे ही दबाएंगे तो फुल स्क्रीन पे शो शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड आएगी। अब माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बता सकते हैं, अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब साथियों, आप सोचोगे क्लिक करना पड़ रहा है हमें, बिना क्लिक के अपने आप चले, तो इसमें हम टाइमर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले बीच में से स्लाइड से बाहर आने के लिए आप एस्केप की दबाना। आपके कीबोर्ड में सबसे पहला जो बटन होता है ऊपर, सबसे पहला ESC लिखा हुआ है, एस्केप, उसे दबाने से आप इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। F5 से शो शुरू हुआ था और एस्केप से ESC से बाहर आ गए आप कीबोर्ड में एस्केप दबा के। अच्छा, टाइमर डालना हो कि अपने आप बदले, तो उसके लिए ऊपर चले जाना आप, या ट्रांजेक्शन ऑप्शन पे, ट्रांजेक्शन पे, ये देखिए दिखाता हूँ जूम करके, ये ट्रांजेक्शन ऑप्शन में जब आप इसमें बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो ओन माउस क्लिक लिखा हुआ है, ये भी माउस क्लिक से एक्टिवेट हो रही है, इसे हटा देना और आफ्टर पर टिक लगा देना। आफ्टर में यहाँ सेकेंड डाल देना, इन्हें सारा सेलेक्ट करके ना, मैं चाहता हूँ कि हर स्लाइड 2 सेकंड बाद बदल जाए करे, तो 2 सेकंड डाल के सब में अलग अलग टाइम डालना हो तो हर स्लाइड पर क्लिक कर करके अलग अलग डाल देंगे, सब में एक ही रखना हो तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देना। अब इसके बाद F5 दबाना, तो अब देखिए हर 2 सेकंड बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ये स्लाइड बदल रही है। बाकी जगह अगर एक्सप्लेन करनी होती है तो ओन माउस क्लिक ठीक रहता है, हम इनके बारे में एक्सप्लेन भी करते रहते हैं, कहीं दिखा रहे होते इस स्लाइड को तो, लेकिन बस इमेजेस का ही आपका शो है तो ऐसे 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का टाइम डाल दो, अपने आप बदल जाती है, ये स्लाइड फिनिश होते ही ख़त्म हो जाएगा। अब एस्केप की दबा देंगे, या माउस से राइट क्लिक दबा के ना, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे नीचे एंड शो का ऑप्शन होता है, इससे भी कर सकते हैं। मान के चलो एस्केप का बटन आपका काम नहीं कर रहा, तो राइट क्लिक दबा के इस पर एंड शो पे क्लिक कर देना, तो एंड शो ये नीचे आएंगे, ये रहा, क्लिक करते ही आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। या तो ये थी हमारी साथियों प्रेजेंटेशन बनाने का ट्रिक आपका। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशंस डाल सकते हैं, इसमें तरह तरह के बैकग्राउंड वॉलपेपर डाल सकते हैं, ये जो स्लाइडें बनाई हुई हैं ये किस तरीके से एक लेटर ऊपर नीचे से आए गिरे, 3D इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। उसके लिए मैं इससे अगला एक और लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आप इसको देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी पहले आप इसे ही कीजिए, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और दूसरा लेक्चर आगे आने वाला जो है उसे भी देख लीजिए, इसमें और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग करनी सिखाई जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद एंड जय भारत।